KTN खिलाफत न्यूज, खबरें आपकी, नजरिया हमारा। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है ईदगाह के शाही इमाम मौलाना खालिद रशीद फरंगी मेहदी साहब। मौजूदा सूरत हाल मुल्क की क्या है और सूबे उत्तर प्रदेश में क्या कुछ है, इस पर हम रोशनी डालने के लिए सीधा रुख करेंगे खालिद रशीद फरंगी मेहदी साहब के साथ, उनसे सवाल करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता 3 से 3.5 सालों में सूबे उत्तर प्रदेश में जिस तरह के हालात बने हैं और जिस तरह से सरकार काम कर रही है, इस पर भी हम सवाल करेंगे, और आम लोगों की ज़िंदगी कैसी चल रही है कोरोना काल में, इस पर भी सवाल करेंगे। मौलाना साहब, के टी एन खिलाफत न्यूज़ में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है, स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि 3 सालों में, गुज़िश्ता 3 से 3.5 साल में योगी सरकार में जिस तरह की सूरत हाल उत्तर प्रदेश में बनी है और जिस तरह से मामला सामने आ रहे हैं, तस्वीरें बयान कर दी, इस पर आप रोशनी डालें। ये सियासी मामला पर हम लोग तबसरा नहीं किया करते हैं, जो भी हालात हैं वो दुनिया के सामने, पूरे मुल्क के सामने हैं। हम लोगों की यही डिमांड रहती है, यही कोशिश रहती है कि पूरे सूबे में, पूरे मुल्क में हम अमन कायम रहे, और जिसके जो जायज हकूक हैं, जो आइनी और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हकूक हैं, वो सबको मिलना चाहिए और किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक मुसलमानों का ताल्लुक़ है, तो मुस्लिम तंजीमें अल्लाह के करम से पिछले कुछ सालों से बहुत बड़े पैमाने पर ये कोशिशें कर रही हैं कि मुसलमान बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा तालीम में, एजुकेशन में आगे आएँ, जिसका कि नतीजा ये है कि जिस हर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तकरीबन अराउंड 20-30% मुसलमान बच्चों का इजाफा हुआ है, और अभी जो UPSC का रिज़ल्ट आया है, उससे भी ये बात वाज़ेह होती है। बहरहाल, जहाँ तक कोरोना का सवाल है, तो COVID-19 से तमाम लोग परेशान हैं, कुछ पिछले महीनों से परेशान हैं, और उसमें भी अगर आप देखें तो जो NGOs हैं और उसमें जो मुस्लिम तंजीमें हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर आ करके लोगों की मदद और इमदाद की है। इसके लिए तमाम तंजीमें काबिल मुबारकबाद हैं, और मेरी तमाम अहले वतन से यही अपील है, यही गुजारिश है कि आज इस गांधी जयंती के मौके पर जो गांधी जी का प्यार और मोहब्बत का, अहिंसा का, नॉन वायलेंस का जो मूवमेंट था, उस मूवमेंट से हम और आप सब लोग जुड़े रहें, और जो गांधी जी का जो ख्वाब था कि ये पूरा मुल्क नॉन वायलेंस के रास्ते पर चले, हमारे मुल्क में कि गंगा जमुनी तहजीब हमेशा ज़िंदा रहे, तो इस सिमत में नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। मौजूदा हुकूमत ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जिस तरह से बेटियों के साथ में जो भी कुछ हो रहा है, अभी हाथरस का मामला आपने देखा, किस तरह से वहाँ पर जो पुलिस का एक रोल रहा है, यूपी पुलिस का जो रोल रहा है, और सरकार का, और जो SIT उन्होंने बिठाई है, अभी ये कह दिया है कि हाथरस में धारा 144 लगा दिए, SIT के अफसरों के अलावा कोई भी शख्स वहाँ नहीं जा सकता है, तो जो पोशीदगी रखी जा रही है महोबा वाले मामले में, SIT की रिपोर्ट को सबने देखा है, उसका क्या हश्र हुआ, तो दोबारा इस तरह का जो ये इकदाम उठाया है उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने, उस पर क्या? ये किसी के साथ भी कोई जुल्म ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। जो भी ये वाक़या हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक हुआ है, और जो लोग भी इसमें कसूरवार हैं, सबको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। जो भी इंक्वायरी कमेटी बनी है, वो इंक्वायरी कमेटी अपने महदूद वक्त में अपने इंक्वायरी को ईमानदारी के साथ पूरी करे, और जो लोग भी इसमें कसूरवार हैं, उनके खिलाफ़ सख्त से सख्त मुल्क के कानून के तहत कार्रवाई की। SIT को छोड़ दिया जाए, मौजूदा जो गृह सचिव हैं आपके, होम सेक्रेटरी, उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि उस लड़की के साथ रेप नहीं हुआ। ये मेरी फील्ड नहीं है, मैंने शुरू में बात अर्ज की थी कि जो भी मामला हुआ है, उसकी इंक्वायरी हो, इंक्वायरी के बाद जो लोग जो कसूरवार हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एक सवाल और भी है कि बीते 3-4 सालों के अंदर में देखा गया है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर बार बार टारगेट किया जाता रहा है, चाहे वो डॉक्टर वकील का मसला हो या किसी का भी मसला हो, ऐसे नौजवानों को टारगेट किया जा रहा है उस हुकूमत में, जिस पर हमारे उलमा बिल्कुल खामोश बैठे हैं, सवाल नहीं करते हैं। मुहर्रम का अभी महीना आया, आपने देखा कि मुहर्रम में भी न ताज़ियों को निकलने दिया गया, न दफन करने की इजाज़त दी गई, न मजलिस और मातम के लिए, जबकि सयाहों के लिए इमाम बाड़ों को खोलने का जो एक परमिशन दी गई, और ये कहा गया कि सयाह तो आ सकते हैं, लेकिन कोई भी मजहबी काम वहाँ पर नहीं हो सकता। मैंने शुरू में बात अर्ज की कि किसी के साथ भी कोई नाइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई है तो वो गलत है, और ये कहना कि उलमा इकराम आवाज़ नहीं उठाते हैं,
ये आपकी कम मालूमात का मेरे ख्याल में नतीजा है और उलमाए कराम ने हर मौजू पर अपनी बात रखी है जहाँ तक के मुहर्रम का ताल्लुक़ है। तो हमारे यहाँ भी मज़हब इस्लाम में रमज़ान से और ईद और बकरीद से बढ़ करके कोई दूसरा अहम मौका नहीं हुआ करता है। और जब हम लोगों ने कोविड 19 की वजह से रमज़ान में तरावियाँ नहीं अवामी तौर पर पढ़ी, ईद बकरीद की नमाज़ अवामी तौर पर नहीं हुई, तो जाहिर सी बात है जो भी कोविड 19 का प्रोटोकॉल है उस पर सबको अमल करना है। और जो गैर मुस्लिमीन के त्यौहार हुए हैं, चाहे सिखों के हुए हों या हिंदुओं के खुद हुए हों या क्रिश्चियंस के हुए हों, सब ने कोविड 19 के प्रोटोकॉल को फॉलो किया है। तो एक नॉन इशू को इशू नहीं बनाया चाहिए। हरमैन शरीफैन में भी आप देख लें कि चाहे हरम शरीफ हो या मस्जिद नबवी हो और या दुनिया में जितनी भी इबादतगाहें हैं, तमाम जगह पर कोविड 19 के प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया है। लिहाजा जब तक हुकूमत या हेल्थ मिनिस्ट्री या WHO के जो भी गाइडलाइंस हैं सिलसिले में, वो किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में रहते हुए हमें आपको हर कीमत पे फॉलो करना है। और ये बीमारी सिर्फ किसी एक कम्युनिटी के लिए नहीं है, बल्कि अगर हम और आप प्रिकॉशंस अपनाएंगे तो अपने ही लिए फ़ायदे होंगे। एक सवाल और इसके बाद आखिरी सवाल होगा, 28 साल के बाद बाबरी मस्जिद को शहीद करने में जिन लोगों का हाथ था उनको हुकूमत ने जिस तरह से बाइज्जत बरी कर दिया, अदालत ने सबूतों को भी देखना गवारा नहीं समझा और ये कहा कि वीडियो के साथ टेम्परिंग की गई और ये कहा कि उस वक्त जो तस्वीरें लिए जाती थी उसके नेगेटिव नहीं दिए गए, सारे सबूत और सारी शहादतें होने के बावजूद अदालत का जो एक तरफा फैसला आया है CBI कोर्ट में, जिस तरह से इस पर जफर याब जेलानी साहब ने विशेष अदालत में अपील करने की बात की गई। जब ये फैसला आया था तभी मैंने ये बयान दिया था, उसी बयान को मैं दोबारा फिर दोहराता हूँ कि अपने इस मुल्क में मुसलमान हमेशा से अदालतों के फैसलों का एहतराम करता आया है, आज भी करता है, आगे भी इंशाल्लाह करेगा। लेकिन इस फैसले के सिलसिले में हम लोगों के पास अल्फाज नहीं हैं कि किन अल्फाज में इस फैसले पे तबसरा किया जाए। और पूरी दुनिया ने देखा कि 6 दिसंबर 1992 को किन लोगों ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया और इस सिलसिले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फाइनल बाबरी मस्जिद के फैसले में खुद ये कहा कि इट वाज एन अनलॉफुल एक्ट और खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत बड़ी एक कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। लिब्रहन कमीशन की रिपोर्ट सबके सामने है। तो अब ये आगे लोगों को फैसला करना है कि आगे भी इस मौजू पर किसी अदालत में जाने से कोई फ़ायदा है भी कि नहीं। आखिरी सवाल, अभी मामला आया है, मौजूदा हुकूमत ने इस पर पहले भी बयान दिए थे और ये कहा था अदालत में मामला चला गया, आज़ाद पर पाबंदी का मामला, ये अभी सोशल मीडिया पर भी आ रहा है, अदालत में इसका मामला चल रहा है। पहले भी कहा गया था कि लाउड स्पीकर से अजान नहीं दी जाएगी और तमाम ऐसी तस्वीरें हिंदुस्तान से आई हैं जहां पर पुलिस जाकर जो है अजान को रोक रही है और अजान नहीं देने की बात कर रही है कि अजान से लोगों को दिक्कत होती है। क्योंकि तो अजान हो या जो मंदिरों से या गुरुद्वारों से जो भी भजन या कीर्तन होते हैं वो हमेशा से अपने मुल्क में होते चले गए हैं। और इस सिलसिले में भी जो सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का फैसला है उसको भी फॉलो किया जाएगा और उसके हदूद में, उस फैसले के हदूद में रहते हुए इंशाल्लाह आज़ादों का सिलसिला भी जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अभी हमसे ईदगाह के शाही इमाम खालिद रशीद फिरंगी महली साहब ने, उन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब बेबाकी से दिया है। उम्मीद करता हूँ आगे भी हम ऐसी ही शख्सियतों को आप तक KTN खिलाफत के लिए लाता रहूँगा। फिलहाल के लिए